बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ चावल। चावल बड़े ही मज़ेदार बनने वाले हैं और आइए देखते हैं कि चाइनीज़ चावल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले कुकिंग ऑयल लेंगे, अच्छी तरह इसको गर्म करना है और इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को ब्राउन करना है। प्याज हमारा अच्छी तरह ब्राउन हो गया है, अब इसमें तेज़ पत्ता डालेंगे, काली मिर्च साबित, लौंग डालेंगे और बादियान का एक फूल और दालचीनी, ये चीज़ें डालेंगे इसके अंदर। थोड़ा सा इसको भूनना है। अब टमाटर डालेंगे और सब्ज़ मिर्च डालेंगे। नमक ऐड करेंगे, गाजर, आलू डालेंगे और थोड़ा सा भूनना है इसको। अच्छी तरह भून लिया है, अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब चाइनीज़ नमक डालेंगे इसके अंदर, ये देख लें चाइनीज़ नमक चला गया है। और मटर हमने उबाल के रखे हुए हैं, ये डालने हैं, ये उबले हुए मटर हैं, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये देख सकते हैं पानी में एक उबाल आ गया है और चाइनीज़ चावल बड़े ही मज़ेदार बनने वाले हैं। चावल ऐड कर देंगे इसके अंदर। पानी हमारा खुश्क हो रहा है, ये देख सकते हैं चावलों में पानी खुश्क हो रहा है। अब दम लगाना है इसको। लो जनाब, दम लगाने लगे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दम के बाद ये देख सकते हैं कि चावल खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये खिले खिले चावल हैं, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख सकते हैं बड़े ही मज़ेदार बन गए हैं चावल। अगर आप दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी मोहब्बत है। लाइक करें और शेयर करें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आपको सेहत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।